प्रतिनिधिमंडल हमसे मिला, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन कोरोना संकट के कारण अभी कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी चुनाव की स्थिति नहीं है। आज मुझे यह महसूस होता है कि ये जनप्रतिनिधि जो जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य हैं, ये प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी है और इसलिए ये जरूरी है कि इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए ताकि कोरोना के संकट में ये जनता के बीच बेहतर ढंग से काम कर सकें, प्रशासन के साथ समन्वय बना के काम करें, चाहे लॉकडाउन का मामला हो, स्क्रीनिंग का मामला हो, आयुष की दवाइयां पहुंचाना हो, लोगों को जागरूक करना हो, ये जनप्रतिनिधि जनता को लेकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। और इसके साथ साथ अब 20 तारीख से कुछ पाबंदियां हटने वाली है, तो मजदूरों को काम देने वाले काम जैसे मनरेगा, जो हॉट स्पॉट नहीं है, कंटेनमेंट एरिया नहीं है, वहां ये काम शुरू करेंगे ताकि मजदूरों को काम मिले। छोटे मोटे निर्माण की गतिविधियां शुरू की जाएगी ताकि अर्थव्यवस्था भी गतिमान हो, और इन सब कामों में हमारे ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि उनके कार्यकाल को अगला जब तक चुनाव ना हो तब तक बढ़ाया जाएगा ताकि वो इस संकट के समय जनता के बीच में रह के प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी बनाए, पेयजल की व्यवस्था भी करें, मनरेगा के काम भी शुरू करवाए और बेहतर समन्वय करके इस संकट से प्रदेश को निकालने में सहयोग करें। जो भी फंड्स है वो तो डिमांड के ऊपर आते हैं, अब डिमांड पैदा होगी, ये लोग जाएंगे काम करवाएंगे तो निश्चित रोजगार भी होगा। और अब तो भारत सरकार ने इसका टास्क बढ़ा दिया है, 202 रुपया कर दिया है, बढ़ा के काफ़ी लाभ होगा। निश्चित रूप से मैं आज भी कह रहा हूँ कि जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जन समस्याओं के लिए, आज गाँव में पेयजल की भी समस्या है, कोरोना की तो है, रोजगार की समस्या है, मनरेगा के काम रुके हुए हैं, तो जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, जो कैंटोनमेंट एरिया नहीं है वहाँ पर ये काम शुरू हो जाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों के लिए रोजगार ही मिलेगा। इसमें रोजगार बड़ी समस्या है और रोजगार की समस्या को हल करने में मैं मान के चलता हूँ कि पंचायतें जिनमें जनपद जिला पंचायत ग्राम पंचायतें जितनी सहायक हो सकती हैं अन्य कोई नहीं।